सो हाँ जी प्रबंध दोस्तों, मैं सर आप सबका फिर से एक वीडियो पे स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बताने वाले आप ग्रो ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज करेंगे, कैसे आप यहाँ पे जो स्टॉक को बाय करेंगे, कैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे, कैसे आप वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊँगा कैसे आप यहाँ पे जो है ग्रो ऐप को यूज किया जाता है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आप दोस्तों जान पाएंगे और समझ पाएंगे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटा दबा लेना है, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक और दोस्तों नॉलेजबल वीडियो हमेशा के लिए प्रतिदिन कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूज करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो है सर्च कर लेना है ग्रो ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ग्रो। ठीक है दोस्तों, सर्च करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको आप चाहे तो यहाँ पे जो है इंस्टॉल कर लेंगे। आप पहले इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ठीक है, अगर आप इसको इंस्टॉल कर लें तो इसको यहाँ पे आप जो है इसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अपडेट करने के लिए यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होने लगेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसको अपडेट कर लेने के बाद यहाँ पे मैं वेट करूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा अपडेट ले रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप भी इसी तरह से अपडेट कर लेंगे, अगर आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करके रखे होंगे तब, नहीं तो आप यहाँ पे जो इंस्टॉल को उसको एप्लीकेशन को पहले डिलीट कर लेंगे या तो इसको फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे होता है कि दोस्तों वो अपडेट का न्यू वर्जन जो यहाँ पर जो है अपडेट हो जाता है, वहाँ पर जो पुराना वर्जन है वो गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अपडेट होकर यहाँ पे इंस्टॉलिंग ले रहा है। ठीक है, तो इंस्टॉल होने तक हम वेट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से हम ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन यहाँ पे जैसे कि दोस्तों मेरा इंस्टॉल एप्लीकेशन हो रहा है, मेरा नेट अभी यहाँ पे स्लो चल रहा है, इसलिए यहाँ पर मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे नेट फास्ट होगा तो ये बेटर तरीका में जल्दी है, आप अपना एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल ले रहा है, तब तक हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आपको मिलेगा, एप्लीकेशन का इंटरफेस ग्रो ऐप का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेट कर लूँ, जैसे कि एप्लीकेशन ये लोडिंग ले रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पे जो एप्लीकेशन को यहाँ पे जो है आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं आगे। मैं दोस्तों मैं आपको प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन का इंटरफेस यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने यहाँ पे पहले से अकाउंट बना लिया है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे ईमेल आईडी जो डाले होंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप जिस भी ईमेल में से लॉगिन करना चाहते हैं यहाँ पे ईमेल पे लॉगिन करेंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इसमें अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दूंगा कि ग्रो ऐप का अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। जैसे कि मेरे दोस्तों मैं अपने गूगल यहाँ पे जो अकाउंट का ईमेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मेरा लॉडिंग ले रहा है। ठीक है, तो लॉडिंग लेने के लिए यहाँ पे वेरीफाई 4 डिजिट सिक्रेटरी पिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सिक्रेटरी पिन डाल देना, जैसे कि यहाँ पे मैं सिक्रेटरी पिन डाल देता हूँ। ओके दोस्तों, जैसे मैंने सिक्रेटरी पिन डाला तो ये ओपन हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है इसमें ग्रो ऐप में आपको 2 सुविधा मिल जाती है, चाहे तो यहाँ पे स्टॉक को बाय करके यहाँ पे जो है बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक है, स्टॉक को अगर बाय करना चाहते हैं यहाँ पे सर्च के बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे SBI का स्टॉक बाय करना है। ठीक है, यानी मैं आपको कैसे बाय करता हूँ, कैसे यहाँ पे सेल करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे SBI में सिलेक्ट कर लो। ठीक है दोस्तों, मैंने SBI सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जो है लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे SBI मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको तो यहाँ पे पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो है यानी हम बाय करके आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे SBI, यहाँ पे बहुत सारा है SBI, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है मार्केट का यहाँ पे प्राइस आपको दिख जाएगा, कितना भी मार्केट का प्राइस हो, और यहाँ पे नीचे ग्राफ भी देख सकते हैं 1 डे का, 1 हफ्ता का देख सकते हैं। दोस्तों 1W के ऊपर क्लिक करें यानी 1 वीक के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 हफ्ता का यहाँ पे ग्राफ इसका देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको 1 मंथ का मिल जाता है, 1 ईयर का मिल जाता है, 5 ईयर मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, या तो यहाँ पे लाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बार सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ओवरव्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, परफॉर्मेंस में हमने 2 डे परफॉर्मेंस क्या है, लो है या हाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। जैसे कि आज का जो परफॉर्मेंस इसका आज लो चल रहा है, और यहाँ पे जो
फाइव वीक यानी 52 वीक का यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है, 52 वीक में कितना परफॉर्मेंस किया, ओपन ये देखिए कितना में हुआ, और यहाँ पे प्रीव्यू क्लोज कितना में हुआ, वॉल्यूम इसका कितना है, और लोअर सर्किट कितना है इसका, यहाँ पे अपर सर्किट कितना है यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपर्ट रेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 93% है, और यहाँ पे फंडामेंटल इसका देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेशियो वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं, और यहाँ पे फिनेंस भी देख सकते हैं, फिनेंशियल यहाँ पे रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, और नेटवर्थ है। तो इस प्रकार से आप इसका कंपनी का देख सकते हैं, क्वार्टरली देख सकते हैं, ईयरली चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सी डिटेल के ऊपर क्लिक करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करके बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो के ऊपर क्लिक करके कैश फ्लो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका फाइनेंशियल देख सकते हैं, अबाउट कंपनी के बारे में जान सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उसका सीईओ कौन है, यहाँ पे सीईओ भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे फाउंडेड कब से इसने फाउंडेड हुआ है, यानी 1955 में ये हुआ है। ठीक है, एनएससी का सिंबल है SBIN, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे प्रमोटर्स, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, अदर डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे फॉरेन इंस्टूडेंट्स, और यहाँ पे रिटेल। ठीक है, टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में भी देख सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार के यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ओवरव्यू के बाद दोस्तों इसमें न्यूज़ मिल जाता है, यानी SBI की तरफ से जितना भी न्यूज़ आया होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप इवेंट देख सकते हैं, इवेंट में आप क्लिक करके इवेंट देख सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग, और यहाँ पे जो है बोर्ड मीटिंग यहाँ पे कब कब चालू हुआ ये भी देख सकते हैं। F&O के ऊपर ये क्लिक करके यहाँ पे जैसे ऑल देख सकते हैं, कॉल देख सकते हैं, और पुट भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब जानने के बाद नीचे यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन चेन का मिल जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन चेन को भी यहाँ पे जो है एक्टिव 2 मिनट में एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों आप स्टॉक को कैसे बाय करेंगे, इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले बैक आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको फिर से अपने यानी ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जो है सेल और यहाँ पे बाय का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक को बाय करने के लिए आपको यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर लेना है। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्वालिटी में सेलेक्ट कर लेना, यानी जो है NSE या BSE। ठीक है, NSE का मतलब दोस्तों होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, और यहाँ पे BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आप जिसमें भी बाय करना चाहते हैं यहाँ पे इसको रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना, यानी 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, जितना भी आपको यहाँ पे जो इसको बाय करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस पूछा जाए, प्राइस आप लिमिट प्राइस में इसको बाय करना चाहते हैं या तो मार्केट प्राइस में बाय करना चाहते हैं। दोस्तों लिमिट प्राइस का मतलब होता है अपने अनुसार से प्राइस को सेट कर सकते हैं, यानी जो है अभी मार्केट का प्राइस है, मैं आपको मार्केट का भी प्राइस बता दूँ। मार्केट का अभी प्राइस है दोस्तों 538 रुपीज़ 35 पैसा। ठीक है, अभी ये मार्केट का प्राइस चल रहा है, लेकिन मैं इसको जो बाय करूँगा एप्लीकेशन को, यहाँ पे जो इस स्टॉक को यहाँ पे मैं 535 रुपीज़ में रख देता हूँ। तो ये जो प्राइस है मार्केट का प्राइस, अभी ये मेरा लिमिट प्राइस है, अगर क्रॉस कर ले तो मेरा स्टॉक बाय हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे मार्केट प्राइस रखते हैं तो मार्केट का जो प्राइस रहता है दोस्तों, जैसे कि अभी मार्केट का प्राइस है 538 रुपीज़ 35 पैसा, तो यही प्राइस में स्टॉक आपका बाय हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टॉक को बाय करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है मनी को ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एड मनी के ऊपर क्लिक करके आप मनी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है एड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे, और नीचे यहाँ पे जो है आपने जो भी बैंक यहाँ पे रखा होगा यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा। प्रोसेसिंग पेमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ सब पेमेंट अपना कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पेमेंट को ऐड करके यहाँ से आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दें स्टॉक को कैसे बाय करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉक कैसे सेल करते हैं। ठीक, तब तक यहाँ पे जो मैं बैक आ जाता हूँ। ओके, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी कंपनी का स्टॉक आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे तो यहाँ पे मैं इसको सेल के ऊपर क्लिक करके आप जो भी क्वांटिटी यहाँ पे NSE BSE वो सेलेक्ट करेंगे, और लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट करके सेल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मैं पहले बैक आ जाता हूँ। ठीक है, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको होल्डिंग का मिल जाएगा, आप होल्डिंग जितना भी स्टॉक करके होल्डिंग करके रखे हुए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पोजिशन में भी देख सकते हैं, आपका जो भी स्टॉक होगा यहाँ पे पोजिशन में देख सकते हैं, ऑर्डर में देख सकते हो दोस्तों, आपका यहाँ पे जो भी स्टॉक ऑर्डर में होगा यहाँ पे देख सकते हो, और माई वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे जो है अपना वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक को यहाँ पे ऐड करके रखा हो वह यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे टाटा मोटर्स को वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, तो इस प्रकार से अपना वॉच लिस्ट देख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस वॉच में क्लिक करके वॉच लिस्ट को ऐड भी यानी क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, वॉच लिस्ट को क्रिएट करने के लिए वॉच लिस्ट नेम डालेंगे जो भी हम रखना चाहते हैं, जैसे कि मेरा नाम है सौरभ राजा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सौरभ राजा में डाल देता हूँ, तो इस प्रकार से अपना वॉच लिस्ट का नाम डालेंगे और क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपका वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दी, उसके बाद यहाँ पे ऊपर के साइड में देख सकते हैं निफ्टी है और यहाँ पे बैंक निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी में दोस्तों इंडिया के टॉप 50 कंपनीज शामिल, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। निफ्टी में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज शामिल है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के कौन कौन से टॉप 50 कंपनी यहाँ पे शामिल है। सी ऑल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप सारा कुछ जान सकते हैं और यहीं से आप स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक को बाय करना चाहते, जैसे कि मुझे ICICI बैंक का यहाँ पे स्टॉक बाय करना है, तो यहाँ पे जो भी कंपनी का आपको स्टॉक बाय करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी बाय और सेल का मिल जाएगा। न्यूज इवेंट वगैरह, परफॉर्मेंस, फंडामेंटल, इसका सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैंक आ जाता हूँ। बैंक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है बैंक निफ्टी मिल जाता है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिन निफ्टी मिल जाता है, सेंसेक्स मिल जाता है। सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनी शामिल है, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप 30 कंपनीज इसमें शामिल है सेंसेक्स में। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है होल्डिंग वगैरह मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कैसे आपको यहाँ पे क्या करना है। और यहाँ पे दोस्तों ऐड स्टॉक के ऊपर क्लिक करके स्टॉक को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स जो भी स्टॉक को यहाँ पे, जोमेटो जो भी स्टॉक को यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक को ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक को कैसे ऐड करते हैं। आप जो भी स्टॉक यहाँ पे जो है, आप जो भी यहाँ पे जो है वॉच लिस्ट बनाएंगे अपने नाम से, यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक को ऐड करना था, तो ऐड स्टॉक के ऊपर क्लिक करके ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं माई वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दूँ, यहाँ से भी आपको ऐड स्टॉक का मिल जाता है ऑप्शन। यहाँ से भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अंबुजा सीमेंट का स्टॉक ऐड करना था, यहाँ पे मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने स्टॉक को यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाए, एडिट वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करके आप जो भी वॉच लिस्ट को यहाँ पे जो है हटाना चाहते हैं, यानी ITC को मुझे हटाना चाहिए, यहाँ पे मैं कर्सर के ऊपर क्लिक करूँगा ये तो हट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हो और हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, मैंने आपको सारा कुछ इसमें बता दिया और यहाँ पे जो इसमें कुछ नहीं है। और एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आप जान सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो है मोस्ट अबाउट इन ग्रो, यानी जो है ये कंपनी अभी जो है यहाँ पे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, देख सकते हैं अदानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट, जोमेटो वगैरह यहाँ पे दिख गया है। उसके बाद यहाँ पे टॉप गिनर्स देख सकते हो दोस्तों, टॉप गिनर्स में यहाँ पे सी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी आज के डेट में, यानी आज जो जितना तारीख है वो तारीख में दोस्तों ये कंपनी का स्टॉक अभी यहाँ पे जो है प्राइस इसका बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टॉप लूजर में, टॉप गिनर्स में। और दोस्तों यहाँ पे टॉप लूजर के ऊपर क्लिक करके आज के समय में, यानी आज जो तारीख है, यानी 30 जनवरी का ये कंपनी का स्टॉक अभी इसका प्राइस जो है घट गया, ठीक है। टॉप बाय वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 52 वीक हाई के ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं, 52 वीक लो के ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया टॉप गिनर्स और टॉप लूजर्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है स्टॉक्स इन न्यूज मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्टॉक और न्यूज देख सकते हैं, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आता नीचे म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर, म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं पॉपुलर फंड्स यहाँ पे दिया गया, ऑल म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी आप जान सकते हो। ऑल म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सारा म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रो। तो दोस्तों इसमें आपको 3 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे 31.69% दे रहा है यहाँ पे रिटर्न। और यहाँ पे जो है स्मॉल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रो में इसमें भी देख सकते हैं 48% 82% ग्रो दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप स्टॉक को देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों इसमें जो है यहाँ पे मैंने आपको इसमें मैं बता देता हूँ कि ये कंपनी जो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रो, इसमें रिटर्न तो काफ़ी दे रहा है, लेकिन इसमें रिस्क जो है यहाँ पे हाई है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक बार नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ का ग्राफ देख सकते हैं, 6 मंथ का ग्राफ देख सकते हैं, 6 मंथ में इस कंपनी ने कितना यहाँ पे जो है प्रॉफिट दिया, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ में कितना प्रॉफिट दिया, यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर में कितना प्रॉफिट दिया है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे पूरा समय में जीवन काल में, अपने जीवन काल में यानी ऑल में कितना दिए ये भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है जो भी यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड लेना यानी SIP आपको करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, 1 टाइम में करना है या तो स्टार्ट SIP के थ्रू करना है, यानी 1 टाइम के बाद दोस्तों मतलब होता है यानी फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। यानी आप जो भी कंपनी में स्टॉक को एक ही बार यहाँ पे आप जो भी कंपनी का यहाँ पे जो है इसमें पैसा लगाएं तो एक ही बार यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टार्ट SIP का मतलब होता है दोस्तों आप मंथली बाय मंथली आप यहाँ पे जो है पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। रेटिंग वगैरह, मिनिमम SIP अमाउंट देख सकते हैं, इसका फंड साइज यहाँ पे देख सकते हैं, और रिटर्न एंड कैलकुलेटर भी क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मंथली SIP इसका यहाँ पे मिनिमम है 500 रुपये पर मंथ आप जमा कर सकते हैं।
और मैक्सिमम में इसमें यहाँ पे आपको 50,000 का मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे जो है 500 का यहाँ पे जो आप जमा करेंगे और यहाँ पे एक साल तक इसमें आपको जो है 6,000 जमा करेंगे, लेकिन आपको 5,890 रुपीज़ ही मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे यानी 110 रुपीज़ आपको यहाँ पे घटा में मिलेगा। तो ये कंपनी का जो एक साल में जब -1.83% यहाँ पे इसको लो देता है, यानी रिटर्न कम करता है, ठीक है, कम कर देता है, यानी इसका रिटर्न यानी माइनस में देता है। और तीन साल में आपको यहाँ पे 31.91% आपको यहाँ पे जो है इसमें रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पे पाँच साल में 80.63% आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे नीचे होल्डिंग वगैरह देख सकते, इस कंपनी को कौन कौन होल्डिंग करके रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इसने कंपनी को होल्डिंग करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न एंड रेटिंग के ऊपर क्लिक करके रिटर्न एंड रेटिंग देख सकते हैं, सिमिलर फंड के ऊपर क्लिक करके सिमिलर फंड देख सकते हैं, यानी इसी के जैसा यहाँ पे फंड आपको मिल जाएगा। और इसके बाद एक्सपेंस रेशियो एडजस्टिंग लोड टैक्स के ऊपर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं, फंड मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फंड को कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रियंका और यहाँ पे जो है विभव यहाँ पे ये फंड को मैनेज कर रहा है, ठीक है। ब्यू डेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एजुकेशन वगैरह एक्सपीरियंस ये जान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके भी ऊपर क्लिक करके व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके व्यू हाइट डिटेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एजुकेशन वगैरह सारा कुछ इसका यानी जान सकते हैं जो अभी कंपनी को यानी होल्डिंग कर रहा है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप जान सकते हैं यहाँ पर यानी रैंक जान सकते हैं, इंडिया में कितना रैंक है इसका, टोटल असिस्टेंट अंडर मैनेजमेंट कितना है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे देख सकते हैं कब चालू हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये भी देख सकते हैं, ऑर्डर प्लान द सेम फंड के ऊपर क्लिक करके ये भी जान सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको स्टॉक का यानी जो है मैंने आपको कौन से कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आपको यहाँ पे क्या क्या जाना है, इसका फंडामेंटल वगैरह कैसे देखना है सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है कलेक्शन, कलेक्शन में यहाँ पे आपको हाई रिटर्न का सबसे पहले है, अगर आप हाई रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो हाई रिटर्न में जो जो यहाँ पे कंपनी दे रहा है सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं केंद्रा, रोबिको और यहाँ पे जो है कोटक स्मॉल, निफोन इंडिया, उसके बाद क्वेंट एक्टिव, इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, एक्सिस स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये सब कंपनी जो है यहाँ पे यानी रिटर्न हाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो है रिस्क भी उतना ही हाई है। जैसे कि मुझे मैं आपको यहाँ पे कोटक स्मॉल के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें भी वेरी हाई रिटर्न है, ठीक है, यानी वेरी रिटर्न हाई रिटर्न तो है ही, लेकिन इसमें भी रिस्क कितना ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो दोस्तों बिना रिस्क का कुछ नहीं होता, इसका भी आप जान सकते हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है यहाँ पे मंथली यानी ईयरली फाइव ईयर सारा कुछ इसका ग्राफ देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर वगैरह सारा कुछ देख सकते हो, वन टाइम देख सकते हो और जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपको जो है इसका फंडामेंटल वगैरह मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट जो भी देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको यहाँ पे SIP विद 100, यानी आप इसमें 100 का SIP ले सकते हैं, इसमें जो भी है यहाँ पे आपको मिनिमम में 100 का SIP मिल जाएगा करने के लिए। इसमें आपको टैक्स सेविंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे टैक्स सेविंग में जितना भी इस यहाँ पे जो है कंपनी है यहाँ पे आ जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको लार्ज कैप में ऊपर क्लिक करके लार्ज कैप में जितने भी कंपनी शामिल होगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मिड कैप पर क्लिक करके यहाँ पे मिड कैप में जितने भी कंपनी शामिल है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा पेज लोडिंग ले रहा है, ठीक है। तब तक हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको प्रॉपर डिटेल को बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, ओके। इसके बाद यहाँ पे मिड कैप के बाद स्मॉल कैप मिल जाते हैं, स्मॉल कैप भी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्मॉल कैप में जितने भी यहाँ पे जो है स्टॉक कंपनी यहाँ पे शामिल होगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको QSS में भी पर क्लिक करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंड देख सकते हैं, NFO लाइव देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंपेयर कर सकते हैं, SIP कैलकुलेटर कर सकते हैं, ऑल म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो है कंपनी का यानी जो है आपको कैसे इसमें जो है पैसे को इन्वेस्टमेंट करना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे कम जो कंपनी में रिस्क है मैं उसमें आपको करके बताऊँगा। जैसे कि मुझे SIP विथ 100 के ऊपर मैं क्लिक कर ली, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको निपॉन इंडिया ग्रोथ के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आपको जिस भी कंपनी में जो है पैसा लगाना उसके ऊपर क्लिक करें, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे रिस्क जो है वेरी हाई रिस्क है, ठीक है। मैं इसको नीचे करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिस्क लेना होगा, बिना रिस्क का यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी रेटिंग इसका देख सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऐसे
एसआईपी देख सकते हैं, यहाँ पे फंड साइज देख सकते हैं, फंड रिटर्न कैलकुलेटर देख सकते हैं, होल्डिंग देख सकते हैं, रिटर्न का रेटिंग देख सकते हैं, सिमिलर फंड देख सकते हो। यहाँ पे जो है फंड को मैनेज कौन कौन कर रहा है यहाँ पे देख सकते, जैसे कि यहाँ पे रूपेश पटेल, संजय दोषी, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पांच जो मालिक है ये फंड को यहाँ पे जो है मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको यहाँ पे यानी पैसा इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं वन टाइम अगर यहाँ पे जो है एसआईपी स्टार्ट, एसआईपी आपको यहाँ पे दोनों में कंफर्म कर लेना आपको यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे एसआईपी करना तो आपको स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करने के पहले आपको जो यहाँ पे अमाउंट को ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट ऐड करेंगे आपको यहाँ पे अमाउंट को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, और अमाउंट ऐड करने के लिए आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा उस बैंक अकाउंट से आपको पैसा कटाना होगा, तभी यहाँ पे एसआईपी ले सकते हैं। एसआईपी में कैलकुलेटर आपको करके बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर मैं क्लिक किया तो इसका मिनिमम एसआईपी जो है 500 बता रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो मंथली एसआईपी 500 का रखते हैं एक साल तक तो इसमें आपको 1.9% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी अगर 6000 जमा करेंगे आप एक साल तक तो इसमें आपको 6114 रुपये मिलेगा। अगर वही पैसा यानी वही 500 रुपये अगर 3 साल तक आप जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे 37.61% तक ब्याज मिलेगा यानी इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आप जो यहाँ पे 3 साल में आप जोड़ लिए 12 अतिया 36 यानी सॉरी दोस्तों यानी 6 अतिया 18000 आप यहाँ पे जमा करेंगे तो इसमें आपको 24771 रुपये मिलेगा। अगर यही फंड 5 साल तक जमा करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है 30000 जमा करेंगे 48263 रुपये मिलेगा, जिसमें आपको 60.87% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मंथली ऐसा भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया वन टाइम में आपको क्यों आता है कि आपको पैसा एक ही बार आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। आप जितना भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे आपको जो है 1 लाख तक मिल जाता है, 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे मिनिमम है 500 तक मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे जो है मैं आपको एग्जांपल में तौर पे बता देता हूँ कि अगर आप 10000 तक यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं वन टाइम के लिए 5 साल तक तो 10000 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो 18117 रुपये मिलेगा यानी इसमें 81.17% आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। अगर यही फंड आप 3 साल तक जमा करते हैं यानी 10000 को आप वन टाइम के लिए रख लेते हैं तो इसमें आपको जो है 75.89% आपको मिलेगा यानी 10000 का आपको 17589 रुपये आपको मिलेगा, और एक साल में आपको जो है 5.62% का मिलेगा। ठीक है, यानी आप 10000 का एक साल तक रखना चाहते हैं यहाँ पर आपको 562 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको फंड देख सकते हैं आपको कितने में क्या मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है फंड को बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दी उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लोगों के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। लोगों के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट डिटेल वगैरह सारा कुछ जान सकते हैं, जेंडर वगैरह जितना भी है। ठीक है, क्लाइंट आईडी कौन सा है, डीमैट अकाउंट नंबर क्या है, डीपी आईडी क्या है, इसके बाद यहाँ पे डिपॉजिटरी नाम क्या है, ट्रेडिंग परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं, नॉमिनी डिटेल वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट रिलेटिव फॉर्म देख सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे ऐड मनी का मिल जाता है, अगर यहाँ से भी आप मनी को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जितना रुपया यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि मुझे 1000 अगर यहाँ पे ऐड करना तो यहाँ पे जितना ऐड करना है यहाँ पे रखेंगे। ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो है पेटीएम प्रोसेसिंग पेमेंट ले रहा है तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट कर लें फ़ोनपे वगैरह से, फ़ोनपे से कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से पेमेंट को यानी ऐड कर पाएंगे। पेमेंट ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑल ऑर्डर्स का मिल जाता है ऑप्शन, ऑल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मुझे मैंने आपको जितना भी अभी ऑर्डर यहाँ पे आपको पैक किए होंगे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख जाएगा। स्टॉक में अगर किए होंगे तो यहाँ पे स्टॉक को दिख जाएगा। जैसे कि मुझे जोमेटो को मैंने एक और स्टॉक अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जैसे कि आपको मिल गया। ठीक है, इक्विटी देख सकते हैं, एफ ओ जी टी टी इक्विटी भी देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह सारा कुछ देख सकते हो ऑल ऑर्डर में। नीचे यहाँ पे आपको बैंक डिटेल मिल जाता है, बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके अपने जो भी बैंक डिटेल यहाँ पे रखा होगा यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे तो आप अलग बैंक भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा बैंक भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ऐड अनदर बैंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो है बैंक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ जैसे कि मुझे HDFC करना है तो यहाँ पे HDFC डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच डालेंगे। ठीक है, ब्रांच डालने के बाद दोस्तों आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अकाउंट नंबर वगैरह, और यहाँ पे जो है बैंक ऐड हो जाएगा। इसके बाद मिल जाता है यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे जो है आप अपने टीम से यहाँ पे इसके टीम से आप हेल्प ले सकते हैं। स्टॉक के बारे में हेल्प चाहते हैं या तो म्यूचुअल फंड के बारे में, पेमेंट के बारे में, माई अकाउंट, गोल्ड, जिसके बारे में भी हेल्प चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, ऑर्डर्स यानी जो हिस्ट्री, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट वगैरह सारा कुछ, डीमैट रिपोर्ट जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने ग्रो ऐप को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे रह गया, यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड या तो जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है,
मैनेज नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में नोटिफिकेशन अगर अलाउ करना चाहते हैं यहाँ पे जो है अलाउ कर लेंगे, और यहाँ पे स्टॉक का भी नोटिफिकेशन अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है चेंज पासवर्ड, अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल यानी चेंज करना चाहते हैं चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है चेंज पिन, यहाँ पे आपको 4 पिन यहाँ पे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं या तो आप छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्टिव डिवाइस के ऊपर क्लिक करके आप ये जो एप्लीकेशन है किस में यानी जो एक्टिव है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको अलर्ट जितना भी मिलेगा मैं नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको देख सकते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से अपने यहाँ पे जो है स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और जो भी आप स्टॉक को यहाँ पे नहीं जान रहे हैं नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करके सर्च करके भी मंगा सकते हैं। जैसे कि मुझे HDFC मंगाना है, HDFC मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, HDFC, तो इस प्रकार से आप जो है HDFC का जो भी मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो म्यूचुअल फंड या तो स्टॉक। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने ग्रो ऐप को यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जाना कि ग्रो ऐप को हम कैसे यूज करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा समस्या हो जाने पर मुझे व्हाट्सअप भी करके बता सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप सब मेरा वीडियो फुल वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों, अपने भाई से कोई दुश्मनी है क्या, मैंने आपको कुछ बिगाड़ा है क्या? तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि अपने ही छोटे भाई का चैनल है, आपके एक सब्सक्राइबर करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और आपको दोस्तों मैं आपको पूरी सहायता यहाँ पे आपको प्रदान करता हूँ व्हाट्सएप के भी जरिए, मुझे व्हाट्सएप भी करके बता सकते हैं आपको कुछ भी दिक्कत आ जाने पर। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि अपने ही छोटे भाई का चैनल है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।